आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से चॉकलेट कुकीज़। जी से बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुकीज़ को ओवन के अलावा गैस पर हम कैसे बेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं कुकीज़ बनाना। हेलो गॉर्जियस पीपल, वेलकम टू माय चैनल, आई एम पायल राठवा। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गेहूं के आटे का चॉकलेट कुकीज़ बनाने के लिए पहले एक बॉल ले लेंगे, उसमें हम पहले बटर डाल देंगे। हमें 3 टेबल स्पून यानी कि 3 बड़े चम्मच बटर लेना है और ऐसा रूम टेम्परेचर वाला बटर लेना है। बटर को मैंने 1 घंटे पहले फ्रिज में से निकाल दिया था तो ये अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। मेल्टेड बटर यूज़ ना करें तो मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून बटर निकाल लूँगी बॉल में। अब सेम उसी बॉल में 1 बड़ा चम्मच ऐसा घी ले लेंगे जो हल्का सा ऐसा मेल्ट हुआ हो। तो रेशियो रखें 3 बड़े चम्मच बटर और 1 बड़ी चम्मच घी। अब इसे विस्क कर लेंगे। तो आप हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो पर मैं यहाँ पर विस्क कर ले रही हूँ जिससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। हैंड ब्लेंडर में 1 से 2 मिनट में अच्छे से फैट कर रेडी हो जाएगा और विस्कर में हमें 5 से 6 मिनट जितना फैटना है जिससे ये अच्छे से हैंड ब्लेंडर जैसा फैट कर रेडी हो जाएगा। ये देखिए जैसे जैसे हम फैटते जाएंगे वैसे वैसे इसका कलर और टेक्सचर बदल जाएगा। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना हल्का हो चुका है और कलर भी काफ़ी बदल चुका है। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं इसे फेटने पर। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 कप चीनी। मैं यहाँ पर पीसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ तो चीनी को भी हम फैट लेंगे बटर और घी के साथ। 2 मिनट के लिए फैटे जिससे चीनी अच्छे से बटर और घी के साथ मिक्स हो जाए। तो ये देखिए चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब दूसरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर छन्नी ले रही हूँ। अब छन्नी के अलावा भी इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डायरेक्ट डाल सकते हो। तो छन्नी में हम डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा। ये रोटी वाला ही प्लेन आटा है, इसे हम छान के इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए आटा हमने ऐड कर लिया है। अब डाल दें कोको पाउडर। कोको पाउडर अच्छी ब्रांड का यूज़ करें जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर 1/4 कप कोको पाउडर ले लें, साथ ही में बेकिंग पाउडर ले लें 1/2 छोटी चम्मच यानी कि 1/2 टीस्पून। अब इसे हम छान कर गेहूं के आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। कोको पाउडर के ऐसे गट्ठे बन जाएंगे पर आप इसे चम्मच से या हाथों से ऐसे तोड़ेंगे तो ये पाउडर बन जाएगा। तो ये हमने सब कुछ अच्छे से छान लिया है। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के लिए स्पैचुला ले लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा मिक्स हो चुका है। अब हम डाल देंगे वेनिला एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप। इसे ज़्यादा इसमें यूज़ ना करें। इसे ऐड करने के बाद हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डो बना लेंगे। और अगर ये ड्राई लग रहा हो तो थोड़ा सा दूध डालें, 2 से 3 चम्मच जितना, और अच्छा सा ऐसा डो बना लें। तो ये हमारा डो बनके रेडी है। अब पहले हम क्या करेंगे कि टिन को हम ग्रीस कर लेंगे बटर से जिसमें हमें कुकीज़ को बेक करनी है। तो यहाँ पर मैं टिन को गैस पर ही बेक करूँगी और ओवन में ये प्लेट रखूँगी।
तो इसे भी हम ग्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर प्लेट और टीन दोनों को मैंने ग्रेस कर लिया है। अब डो में से ऐसे छोटे छोटे यानी कि नींबू के साइज की लोई तोड़ लेंगे और कुकीज़ बना लेंगे। वैसे तो कुकीज़ में क्रैक रहती ही है, पर हो सके उतनी कम क्रैक रखें। तो ये देखिए कुकीज़ बन के रेडी है। ऐसे ही करके टीन में चार कुकीज़ रख देंगे और दो कुकीज़ के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, क्योंकि कुकीज़ बेक होने पर फूलेगी। ऐसे ही प्लेट में भी कुकीज़ रख देंगे। तो यहाँ पर पांच कुकीज़ रख लिए मैंने प्लेट में। अब फोक ले लें और ऊपर ऐसे डिज़ाइन बना लें, हल्के हाथों से डिज़ाइन बनाएं। तो ये हमारी कुकीज़ की डिज़ाइन बन चुकी है। अब इसे बैक कर लेते हैं। तो गैस पर पहले बैक कर लेते हैं। तो ऐसी बड़ी कढ़ाई ले लें और फिर ऐसे अंदर स्टैंड रखते हैं और ढक्कन से कवर करके प्री हीट कर लेंगे 10 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ पर पहले ही कढ़ाई रख दी थी और कढ़ाई एकदम अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। तो अब हम टीन रख देंगे। सावधानी से रखें, बहुत गर्म रहता है कढ़ाई, और ढक्कन से कवर कर लें। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम रख देंगे और 20 मिनट के लिए हम ऐसे ही पैक होने देंगे। और अगर आप ओवन का यूज़ कर रहे हो तो प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 50 मिनट के लिए इसे रख दें। तो ये हमारी कुकीज़ रेडी है, बहुत ही अच्छी बनी है, गेहूं की चॉकलेट कुकीज़। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इसे बनाना बहुत ही आसान है और बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।